दोस्तों फाइनली आज जर्सी फिल्म रिलीज हो चुकी है और दोस्तों क्या आपको इस फिल्म को देखना चाहिए, फिल्म में क्या कुछ कमाल का देखने को मिला है, वो सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फिल्म को पहले पता है हमें ऑफिशियली डिले कर दिया गया था। पहले फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी KGF चैप्टर डेट के दिन, लेकिन दोस्तों उन्हें पता था कि ऐसे दिन में रिलीज करना काफी एक डेंजरस हो सकता है, इसलिए उन्होंने दोस्तों फिल्म को आज रिलीज किया यानी कि 22 अप्रैल को। दोस्तों फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का है, मैं सभी आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार की स्टोरी लाइन ये बताई गई है दोस्तों इस फिल्म की बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल। हालांकि हमें पता है कि एक ऑफिशियल रीमेक है, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, रीमेक हो या कुछ हो, एक अच्छी परफॉर्मेंस एक अच्छी स्टोरी लाइन एक फर्क देती है दोस्तों फिल्म को। मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा बढ़िया है और जब इंटरवल होता है उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं दोस्तों हमारे शाहिद कपूर सर की एक्टिंग और स्टोरी लाइन और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों इस बार उन्होंने अर्जुन तलवार का रोल प्ले किया है, जो कि दोस्तों अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लग जाती है। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों इसमें हमें मृणाल ठाकुर भी देखने को मिल रही है, जिनका काम एकदम नेक्स्ट लेवल का है। हालांकि उनकी एक्टिंग फॉर्म भी बढ़िया है, लेकिन उनका जो रोल है इस फिल्म में कुछ अलग है। आप सभी को दोस्तों देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इन दोनों के बीच में क्या कुछ चीज़ें चलती है और उनके बेटे के लिए, मतलब दोस्तों शाहिद कपूर जो अर्जुन तलवार का रोल प्ले कर रहे हैं वो अपने बेटे के लिए किस प्रकार से अपने आप को चेंज करते हैं और उसकी जो डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों मुझे खासकर जो पसंद आया इस फिल्म में, इस फिल्म का जो साउंड है, साउंड बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। हमेशा दोस्तों मैं कहता हूँ अपने वीडियो में, एक फिल्म के लिए दोस्तों अच्छा साउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाने भी बहुत अच्छे इस फिल्म के, क्योंकि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। दोस्तों फिल्म की IMDb रेटिंग के बारे में बता दूँ आप सभी को, इस फिल्म को 8.5 IMDb रेटिंग मिली है। दोस्तों पता नहीं कुछ लोग आपको ज़रूर बोलेंगे कि फिल्म में उतना कुछ मज़ा नहीं आया क्योंकि ये रीमेक है, लेकिन दोस्तों आप उन सब बातों में ध्यान मत दीजिए, फिल्म बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर एक फिल्म को बड़ी फिल्मों से कंपेयर करते हैं, जैसे कि दोस्तों अब जर्सी लगी है तो उसे KGF से कंपेयर करेंगे या फिर RRR से। लेकिन दोस्तों हर एक फिल्म की एक अलग स्टोरी लाइन होती है, एक अलग प्रकार की फिल्म होती है, इसलिए हर एक फिल्म को बड़ी बड़ी फिल्मों से कंपेयर करना मुझे ऐसा नहीं लगता सही है, क्योंकि दोस्तों हर एक फिल्म एक अलग मैसेज देती है और एक अलग इमोशन होती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों उस हिसाब से फिल्म बहुत बढ़िया है, आप कंपेयर ना ही करें तो बढ़िया। दोस्तों आपको एक अच्छी फील चाहिए तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए, आपको दोस्तों एक अलग फीलिंग आएंगे, कुछ अलग सीखने को मिलेगा और दोस्तों शाहिद कपूर के साथ यानी कि हमारे अर्जुन तलवार के साथ क्या कुछ होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा और किस प्रकार से वो अपना क्रिकेट में कमबैक करते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया लगी दोस्तों मुझे फिल्म, मैं फिल्म को 5/4 स्टार दूंगा। दोस्तों आपका कहना है फिल्म के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।